मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सतीश सर और आज मैं क्लास सेवन का हिंदी रीडर और पाठ है उठो और जागो, जिसके लेखक हैं स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद न्यूयॉर्क के प्रवास में जब थे तो उन्होंने अपने भारत के भक्तों को, अपने देशवासियों को वे एक पत्र के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि विवेकानंद जी न्यूयॉर्क प्रवास के दौरान पत्र के माध्यम से अपने भक्तों को, अपने भारत के भक्तों को किस प्रकार के संदेश दे रहे हैं। तो इस पत्र के माध्यम से उन्होंने भारतीय नवयुवकों को निस्वार्थ भाव से काम करने का संदेश देते हैं, निस्वार्थ भाव से काम करने की प्रेरणा देते हैं, है ना। तो अब हम देखते हैं कि जब ये न्यूयॉर्क कब लिखे पत्र, 19 नवंबर 1894 को ये पत्र लिखे, किसके नाम, अपने देश भक्तों के नाम, ठीक है। क्या लिखे, हे वीर हृदयों, यह बड़े संतोष की बात है कि अब तक जो कार्य हमारा कार्य हुआ वह बिना रोक टोक के उन्नति ही करता चला आ रहा है और इससे हमें सफलता मिलेगी, हमें और किसी बात की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है केवल प्रेम अकपटता, मतलब बिना छल कपट के, और धैर्य। इह लोक होता है इस धरती में, इसी लोक में, इह लोक और परलोक में यही सत्य है कि यदि कोई कहे कि देह के विनाश के पीछे और कुछ नहीं रहा तो वह उसे यह मानना ही पड़ेगा कि स्वार्थ परता ही यथार्थ मृत्यु है, यथार्थ अर्थात वास्तविक, ठीक है, परोपकार ही जीवन है। दूसरों की भलाई करना क्या है, हमारा काम, हमारा धर्म है दूसरों की भलाई करना, ये परोपकार है। तो परोपकार ही क्या है, जीवन है, परोपकार न करना ही मृत्यु है। अगर हम जन्म लिए हैं तो अपने साथ दूसरों की भी भलाई करनी चाहिए, है ना। सबके लिए तुम्हारे हृदय में दर्द हो, स्वामी विवेकानंद ने पत्र के माध्यम से बताया है कि सबके लिए तुम्हारे हृदय में दर्द हो, गरीब मूर्ख पर दलित मनुष्यों के दुख का तुम अनुभव करो और क्या, संवेदना से तुम्हारा हृदय भरा हो। किसको, अपने देशवासियों को कह रहे हैं, देशभक्तों को कह रहे हैं, यदि कुछ भी संशय हो तो सब कुछ ईश्वर के समक्ष करो। अगर तुम्हें ऐसा कुछ लग रहा है काम नहीं हो पाएगा, सफल हो जाएगा, तो उसे ईश्वर के समक्ष कर दो, है ना। ऐसा करते ही तुम्हें तुरंत ही तुम्हें शक्ति, सहायता और अदम्य साहस का आभास होगा, ठीक है। गत दस वर्षों से मैं अपना मूल मंत्र घोषित करता आया हूं, ठीक है, कि अनवरत प्रयत्न करते रहो, रुको मत, लगातार तुम प्रयत्न करते रहो, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी, ठीक है। और चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, क्या था, जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था तब भी मैं प्रयत्न करने को कहता था, अब तो कुछ और नजर आ रहा है, अतः अब भी यह कहूंगा, क्या कहूंगा, कि प्रयत्न करते रहो, करते चलो, बस अनंत मतलब क्या होता है, इसका कोई अंत ना हो, अनंत आकाश, कि आकाश का कोई अंत नहीं है, है ना। अनंत आकाश की ओर भयभीत दृष्टि से मत देखो कि बहुत बड़ा है, हम उसे क्या है, वह हमें कुचल डालेगा, इतना बड़ा आकाश है। धीरज है क्या, अपने देशवासियों को धीरज रखने के लिए कह रहे हैं, तुम धीरज रखो, है ना, धीरज रखने के लिए, धीरज से ही सब काम सफल होता है, है ना। तुम देखोगे कि कई घंटों में यह सब कुछ, यह सब का सब तुम्हारे पैर तले
आ जाएगा। क्या होता है जब हम देखते हैं कि बहुत काम करना है तब हम उस कार्य को देखकर ही हम डर जाते हैं कि पता नहीं इस कार्य को करने में कितना समय लगेगा। आप ही देखते हैं जब आपके आप नहीं पढ़ते तो क्या होता है कि बहुत सारा अध्याय पढ़ना है, लगता है बहुत पढ़ना है, कब पढ़ेंगे याद भी नहीं होगा। अर्थात ऐसा सोचना नहीं है, उसको निरंतर बिना रुके उस पाठ को पढ़ते जाइए, देखिए क्या होगा, एक समय पूरा हो जाएगा। तो बस यही चीज स्वामी विवेकानंद पत्र के माध्यम से कहते हैं, है ना, कि धीरज रहो, धरो धीरज, धरो न धीरज रखो, न धन से काम होता है न यश काम करता है, न विद्या या प्रेम से ही सब कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं। चरित्र ही कठिनाइयों की संगीन दीवारें तोड़कर अपना रास्ता बना लेता है ना। तो अब हमारे सामने यह समस्या एक समस्या है कि स्वाधीनता के बिना किसी प्रकार की उन्नति संभव नहीं है। क्या स्वाधीनता के बिना, यानी क्या आजादी है ना, उसके बिना किसी प्रकार की उन्नति संभव नहीं है। हमारे पूर्वजों ने धार्मिक चिंता में हमें स्वाधीनता दी थी और उसी से हमें आश्चर्यजनक बल मिला है, पर उन्होंने समाज के पैर बड़ी बड़ी जंजीरों से जकड़ दिए और उसके फलस्वरूप हमारा समाज थोड़े शब्दों में यदि कहें तो भयंकर और पैसाचिक हो गया। पैसाचिक क्या होता है, पैसाच ऐसा बताया गया, पैसाचिक क्या है, पैसाचिक जो है पिचास जैसा इसमें कहते हैं, वो शब्दार्थ भी दिया हुआ है ना। दूसरे को हानि क्या और क्या बताते हैं कि दूसरे को हानि बिना हानि पहुंचाए बिना, ठीक है, यानी दूसरों को भी हानि पहुंचाने के लिए नहीं कह रहे कि दूसरे को हानि पहुंचा कर अपना काम जो है बना लो, वे कहते हैं कि दूसरों को हानि पहुंचाए बिना ही मनुष्य को विचार करने और उसको व्यक्त करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ठीक है, एवं उसे खान पान पोशाक पहनावा शादी विवाह है ना, हर एक बात में स्वाधीनता मिलनी चाहिए। हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे वह आप उसका हकदार है, आप सोच सकते हैं, आप वैसा कर सकते हैं। कहते हैं भारत को उठना होगा, क्या कहते हैं, भारत को उठना होगा, इसके लिए शिक्षा का विस्तार करना होगा। कैसे भारत विकास करेगा, कैसे भारत का बढ़ेगा, कैसे उसका जो है वह ऊपर उठ पाएगा, स्वहित की बुराइयों को धक्का देना होगा, यानी स्वार्थ में नहीं डूब जाना है, अपनी भलाई के लिए कुछ ऐसा बुरा नहीं करना है, किंतु यह व्यवस्था धीरे धीरे लानी होगी, अपने धर्म पर अधिक जोर देकर समाज को क्या, समाज को स्वाधीन, समाज को क्या करना है, क्या बताया है कि अपने धर्म पर अधिक जोर देकर और समाज को स्वाधीनता देकर यह करना होगा। प्राचीन धर्म से पुरोहित क्या होता है, पुरोहित है ना, कि बुराइयों को हटा दो, पुरोहित की बुराइयों को हटा दो, तभी तुम्हें संसार का सबसे अच्छा और एक दिन ऐसा क्या होगा, सबसे अच्छा धर्म मिलेगा। पुरोहित प्राचीन धर्म से पुरोहित की बुराइयों को हटा दो, नहीं क्या होगा इससे, तभी तुम्हें संसार का सबसे अच्छा धर्म मिल पाएगा। भारत का धर्म लेकर एक उन्नत समाज गढ़ सकते, मुझे विश्वास है कि यह संभव है, यह संभव हो जाएगा, है ना, और एक दिन ऐसा जरूर होगा। क्या होगा कि ऐसे उपनिवेश, एक ऐसे उपनिवेश की स्थापना, ऐसे उपनिवेश की स्थापना करो जहां सदविचार वाले लोग रहे, अच्छे विचार वाले लोग रहे, है ना, फिर यही मुट्ठी भर लोग सारे संसार में अपने विचार फैला देंगे। कैसा विचार, अच्छा विचार, दूसरे को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएंगे, अपने काम के लिए, अपना काम सफल बनाने के लिए कोई क्या क्या होता है, दूसरे की हानि पहुंचा, लेकिन ऐसा वो करने से मना करते हैं, है ना, और क्या बताते हैं कि धन की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी, पर धन
आ ही जाएगा, इसी बीच अपना एक मुख्य केंद्र बनाओ। क्या बताते हैं? इस बीच अपना एक मुख्य केंद्र बनाओ और भारत भर में, क्या कहाँ भारत में, भारत में क्या अपना केंद्र बनाओ और भारत भर में इसकी इनकी जो है उनकी शाखाएं खोलते जाओ। बहुत सारी शाखाएं होंगी लेकिन केंद्र क्या होगा? एक ही होगा, है ना। कभी भी किसी मूर्खतापूर्ण कुसंस्कारों को सहारा न देना, यानी उसकी बढ़ावा नहीं देना। रामानुजी ने सबको समान समझकर मुक्ति में सबका समान अधिकार घोषित किया था, वैसे ही समाज की पुनर्गठित करने की कोशिश करो, फिर से बनाने की कोशिश करो। उत्साह से हृदय भर लो और सब जगह फैल जाओ। नेतृत्व करते समय जब तुम आगे हो तो नेतृत्व करते समय सबका दास बन जाओ, है ना। निस्वार्थ रहो, तुम्हें किसी प्रकार की स्वार्थ झलके नहीं, निस्वार्थ रहो, धैर्य रखो, तभी सफलता तुम्हारे हाथ आएगी। कहा भी जाता है कि निस्वार्थ जो रहता है उसका काम अच्छा होता है, है ना। काम करो कौन बताते हैं? विवेकानंद बताते हैं, काम करो औरों के हित के लिए काम करो। काम करना ही जीवन का लक्षण है। दूसरों के हित के लिए काम करना क्या है? ही क्या है? जीवन है। जब हमारा जीवन है दूसरों के हित में काम करना, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना है, ठीक है। आगे क्या बताते हैं? आगे बताते हैं एक बात कर सतर्क रहने के लिए कहते हैं कि एक रहना कि दूसरों पर अपना रौब जमाने की कोशिश ना करना। दूसरों पर जो अपना रौब जमाने की कोशिश मत करना, उसे जो है मजबूर मत होने देना अपना काम बनाने की, उस पर अपना अधिकार नहीं जमाना। दूसरों की भलाई में काम करना ही जीवन है। मैं चाहता हूं कि हमें किसी प्रकार की कपटता, कोई दुरंगी चाल ना रहे। दुरंगी मतलब दो तरह का, है ना, कोई दुष्टता ना रहे। मैं सदैव प्रभु पर, ईश्वर पर निर्भर रहा हूं, उस सत्य पर निर्भर रहा हूं जो दीन के प्रकाश की तरह उज्ज्वल है, दीन के प्रकाश की तरह बिल्कुल साफ सुथरा है, है ना। मरते समय मेरी विवेक बुद्धि, है ना, मरते समय मेरी विवेक बुद्धि पर यह धब्बा ना रहे कि मैंने काम या यश पाने के लिए ये कार्य किया था। बहुत लोग क्या करते हैं, मर जाते हैं लेकिन उनका जो गुण होता है वे गुणों को गाते हैं, अगर वे अच्छे गुण नहीं था तो उनके खराब गुणों को भी वे कहते कि अच्छा हुआ चला गया, है ना। तो क्या है, वे बताते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हम में किसी प्रकार की कपटता, दुर्गी चाल ना रहे, दृष्टा ना रहे। मैं सदैव प्रभु पर निर्भर रहा हूँ, उस सत्य पर निर्भर हूँ जो दिन के प्रकाश की तरह क्या हो, उज्ज्वल हो, ठीक है। तो गुरु का विशेष कृपा पात्र होने का दावा भी हम ना करें। यहाँ तक कि हमें कोई कहता है हमें कोई गुरु भी ना रहे, साहसी भी। और बताते हैं कि हे साहसी बच्चों, किसको? अपने देश भक्तों को, साहसी बच्चों आगे बढ़ो। बार बार वे आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं कि आगे बढ़ो, चाहे धन आए या ना आए, आदमी मिले या ना मिले, तुम्हारे पास प्रेम है। क्या तुम्हें ईश्वर पर भरोसा है? क्या तुम्हें ईश्वर पर भरोसा नहीं? बस आगे बढ़ो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकेगा। तुम आगे बढ़ते जाओ, बिना स्वार्थ के तुम आगे बढ़ते जाओ, तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं। सतर्क रहो, जो कुछ असत्य है उसे पास भटकने मत दो, असत्य को पास में भटकने मत दो, सत्य पर दृढ़ रहो, सत्य पर विश्वास, तभी हम सफल होंगे, ठीक है। शायद थोड़ा समय लग जाए, शायद तुम्हें कुछ कष्ट हो, लेकिन क्या हो, तुम आगे बढ़ते हो, तुम्हें सफलता मिलेगी। इस तरह काम करते जाओ, मानो मैं कभी था ही नहीं। इस तरह काम करो, मानो तुम्हारा ही सारा समय, क्या बताते हैं कि थोड़ा अधिक समय लग जाए लेकिन तुम काम करो, इस तरह काम करो, मानो क्या तुम पर ही सारा काम निर्भर है। भविष्य की
सदी तुम्हारे तुम्हारी ओर देख रही है, काम करते रहो। ये पत्र के माध्यम से वे बताते हैं अपने देशवासियों को कि तुम बढ़ते रहो, आगे बढ़ो, तो मैं किसी प्रकार निस्वार्थ की भावना, निस्वार्थ भाव से तुम आगे बढ़ते रहो। कौन दे रहे हैं ये शिक्षा, कौन बता रहे हैं? तो ये स्वामी विवेकानंद बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? तो अपने देशवासियों को बता रहे हैं कि किसके माध्यम से, अपने उस पत्र के माध्यम से, जब वे न्यूयॉर्क प्रवास में थे उस दौरान जो है उन्होंने पत्र लिखा। किसको लिखा? अपने देशवासियों। ठीक है, आप इस लेसन को, इस पाठ को आप बढ़िया से पढ़ेंगे, समझेंगे और प्रश्न निर्माण जरूर करेंगे। एक्सरसाइज करने के अलावे आप प्रश्न निर्माण करें, उसका उत्तर लिखें, ठीक है, और वर्कशीट भी बनाएंगे, मिलेगा वर्कशीट, उसको भी बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग आगे देख लेंगे।